बारे में नमिता विश्वास नौ कक्षा का 11 पाठ कहन के सब खेलो कूदो स्वस्थ रहो। तो खेलो बोलते हैं इधर खेलना जरूरी जीवन में, खेलोगी तो अपने स्वास्थ्य ठीक रहते। तो खेलो कूदो स्वस्थ रहो के लिए तो संकल्प दिया ऐसा जीवन में स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है सभी का। तो स्वस्थ बनाने के लिए कई लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं, पैसे खर्च किए बिना जीवन में स्वस्थ रहना नहीं आता, इसलिए खेलो कूदो तो बनाओ। तो अभी इसको हम खेलो कूदो स्वस्थ रहे को अभी पढ़ाई करेंगे। तो खेलो कूद की दुनिया सदा आनंद और उल्लास का वातावरण, जब खेल कर हम आते हैं तो हमको खुशी होती है, उत्साह से तल को समय बहता है। खेल खेल में तन मन स्वस्थ होता है, मनोरंजन भी अब खुशी भी मिलती है, मनोरंजन भी होती है। बोलते खेल कई तरह के होते हैं, साधारणतः उनके भेद किए जाते हैं। शारीरिक के खेल मानसिक खेल के तरह शारीरिक मानक दोनों खेलते हैं। जिस खेल में शारीरिक क्रम अधिक करता है उन्हें शारीरिक खेल कहते हैं, कबड्डी हॉकी गुलगुना क्रिकेट कुश्ती फुटबॉल वगैरह आदि। इसके विपरीत खेल मानसिक खेल क्या है, उदाहरण लिए अतरंज कैरम पास खेल आदि, इसको मानसिक खेल बोलते हैं। दूसरी पेज में इसी प्रकार वैयक्तिक खेल में सामूहिक खेल में रूप भेद किया जा सकता है। वैयक्तिक खेल में क्या तैरना दौड़ना नाच चलना बैडमिंटन शूटिंग नाव चलाना चलाना मारना आदि सामूहिक खेल होते हैं, वॉलीबॉल क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी बैडमिंटन आदि। इसी प्रकार खेलों के भेद भी होते हैं, कबड्डी में क्रिकेट में हॉकी में आदि मैदान में खेल में देखो शतरंज कैरम पास आदि वर्ण खेल में भेद होते हैं। आजकल हमारे देश में हॉकी क्रिकेट बैडमिंटन शतरंज कुतरे आदि खेल काफ़ी लोकप्रिय होता है। कौन सा खेल बैडमिंटन शतरंज कुश्ती और क्रिकेट हॉकी में ज़्यादा राज्य राष्ट्र में खिलाड़ियों के पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन एकलव राजधानी में तो राजीव खन्ने का आदि देता था तभी पढ़ने के में पुरस्कार तो पुरस्कार के साथ धनवाज भी दी जाती है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों के राज्य पुरस्कार के सरकार पेयर कंपनी में नौकरी भी अच्छे से पुरस्कार पाओ सर्टिफिकेट पाओगी तो पैसे पाते और अच्छे से नौकरी भी दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरी भर्ती सुविधा होता है, इतना ही नहीं रेल हवाई जहाज आदि सफर करने के लिए भी विशेष रूप में आरक्षण होता है और कई कंपनियों के खिलाड़ियों के अपने प्रतिनिधि बना रहती है। जीवन में खेल के स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, खेल क्षेत्र जो महत्वपूर्ण है, छात्र के लिए पढ़ाई साथ साथ खेलना जरूरी। खेलो द्वारा बच्चों से लोग परिश्रम होता है, पुरस्कार सहयोग का विकास होता है। यहाँ विद्यालय के छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहीं खेलों के द्वारा जीवन का अनुभव करते हैं। नेहरू अनुसार खेल के खेली भावनाएं खेलना चाहिए। नेहरू के समान गांधी जी स्वस्थ व्यायाम भी करते थे, खेल व्यायाम का ही एक अंग है। खेल के हमारी क्योंकि अस्वस्थता आती है, हम पुष्ट होते हैं, अंत स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी होता है। बोलो दोबारा हम नाम साथ साथ धर्म के कम से कहते हैं। आजकल खेलों में पहुँचा देने के लिए विद्यालय भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है, जितने बालों को पुरस्कार दिया जाता है। सभी बच्चों के लिए खेल खेलना चाहिए, स्वस्थ है ना स्वस्थ है शरीर के लिए मानसिक बात होता है। अंत में तन में दोनों स्वस्थ बनाने के लिए खेलना थोड़ा आवश्यक होता है। तो ये कहानी का जो चीज़ नौ कक्षा 11 पाठ खेल कूद के समय जैसे आपके स्वस्थ रहते हैं तब खेल कर तो आपको खुशी मिलती है, मन में शांति मिलती है। इसलिए शारीरिक की मानसिक शारीरिक खेल कौन सा है, कबड्डी है की बुलाड़ी क्रिकेट मानसिक उन्हें क्या शतरंज कैरम पास होता है। तो उसी तरह इस लेखक लिखे हैं तो सामूहिक खेल और व्यक्तित्व खेल तैरना दौड़ना और सामूहिक क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी जैसे इसी प्रकार खेल कबड्डी क्रिकेट हॉकी बता बोले मैदान खेल शतरंज घरेलू खेल तो इसी को भेद विवाद होता है। खेल में राज्य में राष्ट्र में खेल उसका पुआ देता है वो जैसे पौराणिक भी अकेले व द्रोणाचार्य धन्यवाद अर्जुन सभी को देते थे पौराणिक में वैसे पुरस्कार धन्यवाद देते हैं। खेलने में उन लोगों को पुरस्कार धनराशि दिया जाता है। नौकरी में सभी नौकरी में इतना नहीं रेल हवाई सभी ज़्यादा सुविधा मिलती है, कंपनी में जाने आने का पद मिलता है। इसलिए खेल स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है। छात्र जीवन में धैर्य लगन परिश्रम सकते हैं, परस्पर सहगति गुणों का विकास करना चाहिए। जहाँ विद्यालय छात्र शिक्षा के द्वारा खेल खेलने के सिखाया उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। नेहरू अनुसार खेल खेल की भावना खेलना है। गांधी जी भी व्यायाम का आवश्यक करते थे, भी व्यायाम का एक अंग बोले खेलने अंग को कसरत आदि उष्ट पुष्ट करते थे, वो स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी माना जाता है। तो अभी इसका हम लोग शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ क्या है, छात्र विद्यार्थी जरूरी है तो वो शीतल में ठंडा स्वामी ने हुआ भाई भी काम अतः उन्मत में तलाश को चोट पाओ हिस्सा भाग स्वस्थ दुख तो सहनत कसरत व्यायाम
असह का चिंता परेशानी खाली रिक्त कारण पुष्ट दौड़ना आटा घटा होना जैसे। अभी अभ्यास पत्र करने का मौका है। पहला नंबर एक वाक्य में लिखिए, पहले खेलों की दुनिया कैसी है। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास वातावरण रहता है। व्यक्ति ने खेलों का उदाहरण क्या है, तैरना दौड़ना एक बना तीर चलाना एक बना तो शूटिंग चलाना और चलना लगाना आदि को उदाहरण मुष्टिपुष्ट कैसे हो सकते हैं। खेलने में हमारी कसरत होती है तो हम मुष्टिपुष्ट बन रहते हैं। दूसरे नंबर दो तीन वाक्य बने, खेलों के प्रकार लिखे हुए थे, कुछ उदाहरण आप लोग दीजिए क्या है। साधारण खेलों में भेदभाव किया जाता है, शारीरिक खेल मानसिक खेल में खेलों में अधिक करना पड़ता है। उदाहरण कबड्डी हॉकी गुलाड़ी कुश्ती फुटबॉल होता है और मानसिक खेल के खेलों में मान होता है कौन सा खेल साधारण खेल मानसिक खेल में उदाहरण शतरंज खेलों भाषा आदि। दूसरे नंबर के खेलों में क्या काम है, तो खेलों के द्वारा हम नाम साथ साथ भी धन भी कमाते हैं। जितने वाले के बच्चों को पुरस्कार दिया था हमारे जीवन में बहुत लाभ होता है। राज्य और राष्ट्र के तरफ खिलाड़ी को कौन सी पुरस्कार दिया जाता है, खेलों में जो खेलते हैं तो पुरस्कार कौन सी, राष्ट्र में खिलाड़ी को पुरस्कार दिए जाते हैं, अर्जुन धन्यवाद आदि रत्न आदि जाते थे। तथा विलम्ब शब्द करते हैं, आवश्यक क्या होता है, विलम्ब शब्द का अनावश्यक ज्ञान अज्ञान उन्नति अवनत स्वस्थ अस्वस्थ। तो आई भी का सम्मान शब्द लिखिए, दुनिया क्या होता है, जगत विश्व संसार वीर साहस प्रतियुक्त पुरस्कार उपाधि और विद्यार्थी छात्र। तो दूसरी प्रश्न, खाली स्थान पर जे खेल से तो क्या होता है, तन मन स्वस्थ रहता है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। स्वस्थ शरीर के स्वस्थ मन मस्तिष्क का निवास होता है। दूसरी वाक्य में प्रयोग कीजिए कि उत्साह, खेलने के लिए बच्चों को मन में उत्साह होना चाहिए। पुरस्कार अच्छे से खेलोगी तो पहले स्थान पर आओगी तो पुरस्कार का आपको निश्चित मिलेगा। मानसिक श्रम क्या होता है, शतरंज में खेल मानसिक श्रम अधिक होता है। और क्या है, आयोजन, आयोजन क्या है, पाठशाला कार्यक्रम आयोजन में खेल आयोजन भी है। कारण अनुमान कीजिए क्या है, खेल के खेल के अंदर खेल कई तरह के होता है। तो खेल कई तरह की होती है, कारण हमें एस्टो प्रकार देना अटगली यात्रा दे। खेल कई तरह बद हो गई। अभी दूसरी क्या, जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन दल्ली अटगल स्थान यह महत्वपूर्ण गिदे। तो दूसरी नंबर उपकरण देकर खेलों का नाम लिखिए, गिली डंडा टेनिस लगेरी शतरंज बैडमिंटन और बास्केटबॉल। और दूसरी पेज का अभ्यास पत्र हम लोग अभी देखेंगे। दूसरी पेज का ऑप्शन दिया गया है, हम लोग अब ऑप्शन देखकर क्योंकि इसलिए यह व्यक्ति उसे खीर नहीं बल्कि हलवा पसंद है। इस समय बाहर आने के लिए क्योंकि मौसम खराब है। लता तुम सोना चाहते हो या खेलना चाहते हो, आज भी थोड़ी देर बाद उठा इसीलिए स्कूल समय पर नहीं पहुंच पाया था। निम्नलिखित समुच्चयबोधक शब्द पकड़ने में वाक्य लिखे, लेकिन क्या होता है, बादल गरजे लेकिन वर्षा न हुई, क्योंकि वो परीक्षा में लेट में जाकर पहुंचा, ताकि मन लगाकर पढ़ो ताकि वो बोला जाए या तुम या तुम्हारा भाई जाते हो स्कूल, बल्कि क्या होता है, बल्कि वहाँ लोग अभिनेत्र नहीं बल्कि विनम्र होते हैं वहाँ लोग को। तो नौ कक्षा का ग्यारह पाठ कहानी का शिष्य खेलों को दोस्त स्वस्थ रहो, जो इसमें है पैसे खर्च किए बिना ही जीवन में स्वस्थ रहने का है, तो खेलों को दोस्त समय इसमें तो अपनाए बहुत अच्छी है। आप लोगों के सीखे तो उसे इस तरह कभी भी समय मिलते थोड़े टाइम में आप खेलो। तो इसका पढ़ाई चर्दार्थ और अभ्यास पत्र हो गई है, इसे देखते रहिए दूसरी वीडियो में।
और दूसरे पार्ट में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।